कि प्रत्येक जिला में जहाँ एसपी है और कलेक्टर है तो निश्चित रूप से एसपी और कलेक्टर में से किसी एक दलित समाज का होना चाहिए, ये हमारा डिमांड। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण में प्रमोशन की बात है उसको बिहार सरकार लागू करे, शराबबंदी पर जो मुस्तैदी से काम करे, यदि संभव नहीं है तो शराब को फ्री कर दे। ये दर्जनों जो बच्चे मारे जा रहे हैं ये बिहार में एक कलंक है। अभी मेरे क्षेत्र में महानार में घटना घटी थी। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है एक तरफ, वहीं चिराग पासवान मना रहे तो दूसरी तरफ पशुपति पारस मना रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पशुपति पारस क्या कुछ कहते हैं 23वें स्थापना दिवस के ऊपर, वो सबसे पहले सुनिए। 28 नवम्बर 2020 को पार्टी की स्थापना हुई थी। हमारे बड़े भाई साहब जो आज हम लोग के बीच में नहीं है उनके नेतृत्व में पार्टी की स्थापना हुई थी। आज जो 23वां पार्टी के स्थापना दिवस है, उनके अधूरे सपने को हम गांव गांव तक कैसे पहुँचावेंगे, पार्टी के संगठन को हम कैसे मजबूत करेंगे, उसी के संदर्भ में आज हम लोग पूरे देश से हमारे पार्टी के पदाधिकारी आए हुए हैं और पार्टी के स्थापना दिवस है। देखिए, पासवान जी दलित शोषित गरीब पिछड़ों के नेता थे और पूरे देश में डॉक्टर अम्बेडकर के बाद रामविलास पासवान जी को सेकेंड अम्बेडकर माना जाता था और जब जब भी उनको मौका मिला 89 में सबसे पहले वो भारत सरकार के लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर बने, उन्होंने पहली बार मंडल कमीशन लागू किया, एज ए लेबर मिनिस्टर एज ए वेलफेयर मिनिस्टर मंडल कमीशन लागू किया। फिर जब वो रेल मंत्री बने तो पूरे देश में उन्होंने रेल का जाल बिछाया और हाजीपुर में जोनल ऑफिस बनाया और मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों को उन्होंने रोजी रोटी की रोकी थी। आज उनका रोटी दिया हुआ प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जाइएगा तो आपको निश्चित रूप से बिहार का नौजवान मिले। जब वो संचार मंत्री बने, आज जो मोबाइल आप लोगों के पास में है, आप लोगों के पास में है, ये मोबाइल का देन पासवान जी का, उन्होंने कहा, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं देश में क्रांति ला दूंगा मोबाइल और घर घर में बैगन के भाव से बिकवा दूंगा। वो मोबाइल आज लेबर क्लास में से लेकर के रिक्शा पर से लेकर सभी लोगों के पास में है। इस वजह से जब मौका मिला उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि उन्होंने दिलाई, 14 अप्रैल को सरकारी छुट्टी घोषित करवाया, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित करवाया। तो जब जब भी मौका मिला उनको तब तब ही देश में गरीब हो, शोषित हो, गरीब हो, पिछड़ा हो और ऊंची जाति के जो हमारे गरीब लोग हैं उनके उत्थान की भी बात उन्होंने की और अपने पार्टी के संविधान में दर्ज कराया कि ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर लोग हैं, उनको भी 15% आरक्षण मिलनी चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 10% आरक्षण दिया। आज की जो स्थापना दिवस है इसमें मुख्य मुद्दा है कि पार्टी को हम आगे कैसे बढ़ावेंगे, 2024 का चुनाव है उसकी तैयारी हम करेंगे, स्वर्गीय पासवान जी के अधूरे सपने को हम गांव गांव तक ले जाकर के पूरा करेंगे, उनका जो अधूरा सपना था शोषित गरीब पिछड़ा को समाज के मुख्य धारा में जोड़ना, उसके तरफ हमारी पार्टी दृढ़ संकल्प है। हम घूमेंगे, गाँव गाँव में जाएंगे और पार्टी की सदस्यता को घर घर हम पहुंचाने का प्रयास करें। बिहार सरकार से हमारी उनको शिकायत है, इधर कुछ दिनों से जब नीतीश कुमार जी भाजपा गठबंधन से अलग हुए और आरजेडी गठबंधन में चले गए, उन्होंने एक जाति विशेष के लोगों को, खास करके पासवान समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का कोशिश किया और पूरे बिहार में जितने भी हमारे पास और समाज के पदाधिकारी थे सब लोगों को कलेक्टर से एसपी से हटा हटा करके सेफ्टी कमीशन भेज दिया। इसलिए मैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि बेमनस्ता छोड़िए, बिहार के आप सर्वे सर्वा हेड है, सभी जाति धर्म के लोग आपके प्रति है, आप बिहार के कल्याण के लिए बिहार में जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको सम्मान दीजिए। और हमारा आज इसे बैठक से एक और एक डिमांड है कि प्रत्येक जिला में जहाँ एसपी है और कलेक्टर है तो निश्चित रूप से एसपी और कलेक्टर में से किसी एक दलित समाज का होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है।
दूसरा है कि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण में प्रमोशन की बात है उसको बिहार सरकार लागू करे, ये हमारी मांग है। और इस सभा के माध्यम से मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपसे शराबबंदी संभव नहीं है तो बिहार में शराब कुछ नहीं कर लीजिए। ये दर्जनों जो बच्चे मारे जा रहे हैं ये बिहार में एक कलंक है। अभी मेरे क्षेत्र में महानार में घटना घटी थी, ड्राइवर ने बयान दिया कि 40 रुपये में मैं एक गिलास दारू पिया और दारू जहरीला था और उससे वो 40 रुपया में 8 बच्चे की जान चली गई। तो मेरा कहना है कि बिहार में एक बच्चे की कीमत मात्र 5 रुपया है, ये बिहार सरकार की स्थिति है। इसलिए बिहार सरकार या तो शराबबंदी पर जो मुस्तैदी से काम करे, यदि संभव नहीं है तो शराब को फ्री कर दे। और जो ताड़ी बेचने की बात है, नीरा बेचने की बात है, गरीब गुरुवार और ताड़ी बेचता है उसको बिहार सरकार फ्री कर दे, यही हमारा। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे पशुपति पारस, सबसे पहले वो रामविलास पासवान अपने बड़े भाई को याद करते हुए नजर आए, साथ ही साथ 23वां स्थापना दिवस मना रहे वो कहते हुए नजर आए कि किस ढंग से पार्टी को आगे लेके जाना है, लोकसभा चुनाव आ रहा है उसकी तैयारी कैसी करनी है, पार्टी को मजबूत कैसे करना है, इन सब बिंदुओं पे वो बात करते हुए नजर आए। जितने भी कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद थे और नेतागण मौजूद थे सबको संबोधित कर रहे थे और इस बारे में वो बता रहे थे कि पार्टी को मजबूती कैसे देनी है और लोकसभा का चुनाव जो 2024 में है उसकी तैयारी अभी से ही करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप मंच पे देख सकते हैं कि कौन कौन नज़र आ रहे थे मंच पे, वहाँ पे जो मौजूद थे वहाँ पे पशुपति पारस मौजूद थे, पूर्व सांसद सूरज भान सिंह मौजूद थे, वैशाली से सांसद वीना देवी मौजूद थी, चंदन सिंह मौजूद थे वहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे जिनको संबोधित कर रहे थे। और आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे पशुपति पारस, एक चीज़ और जो उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनको दुख है, इस बात का उन्होंने मन से जिक्र किया, इस बात का जिक्र इसलिए उन्होंने किया कि उनका कहना है कि बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, सर्वोसर्वा है, सबकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, लेकिन वह जो है जब से महागठबंधन में आए हैं तब से वह एक जाति को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं और वह है पासवान समाज, पासवान समाज के जितने भी अधिकारी हैं वो सबका इधर उधर तबादला कर रहे हैं, ऐसा पशुपति पारस कहते हुए नजर आ रहे थे। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद। कि प्रत्येक जिला में जहाँ SP है और कलेक्टर है तो निश्चित रूप से SP और कलेक्टर में से किसी एक दलित समाज का होना चाहिए, ये हमारा डिमांड। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण में प्रमोशन की बात है उसको बिहार सरकार लागू करे, शराबबंदी पर जो मुस्तैदी से काम करे, यदि संभव नहीं है तो शराब को फ्री कर दे। ये दर्जनों जो बच्चे मारे जा रहे हैं ये बिहार में एक कलंक है। अभी मेरे क्षेत्र में महानार में घटना घटी थी,